नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस न्यूज। कार व टोटो के बीच टक्कर, कई यात्री घायल। मैनागुड़ी उल्ला डाबरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक कार एक टोटो से टकरा गया, जिससे टोटो में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चार पहिया वाहन के यात्रियों को मामूली चोटें आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और उनकी हालत गंभीर होने के कारण जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शराबियों के उत्पात से परेशान महिलाओं ने तोड़ी दुकान, दो व्यक्ति गिरफ्तार। शराब पीकर गांव में महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायत पर ग्रामीणों ने गांव में शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी इलाके के आमबाड़ी, गाजोल, डोबा, कैनाल रोड के नवापाड़े इलाके में ग्रामीणों ने एक शराब दुकान में तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस दुकान से शराब खरीदते हैं और सड़क पर बैठकर पीते हैं। उस समय सड़क से गुजरती महिलाओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया जाता है। सूचना पाकर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर शराब दुकान के मालिक ने कहा कि ये घटना पूरी तरह से रची गई है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। नक्सलबाड़ी में मृत सुधीर नागेशिया के घर उनके परिवार से मिले विधायक आनंदमय बर्मन। नक्सलबाड़ी में सुधीर नागेशिया नाम के एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधायक और भाजपा सिलीगुड़ी जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष आनंदमय बर्मन शनिवार को मृतक के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के साथ देने का आश्वासन दिया है। विधायक शनिवार दोपहर को नक्सलबाड़ी के मूरी बस्ती इलाके में सुधीर के घर गए और उनकी पत्नी से बातचीत की। मालूम हो कि उनकी पत्नी गर्भवती है और उनका एक 4 साल का बेटा भी है। विधायक आनंदमय बर्मन ने हर समस्या में परिवार का साथ देने का आश्वासन दिया। विधायक ने सुधीर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। गौरतलब है कि बीते मंगलवार की रात नक्सलबाड़ी इलाके में रेलवे लाइन के किनारे से सुधीर का शव बरामद किया गया था। आरोपी की पार्किंग को लेकर हुए विवाद में पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पंचायत चुनाव से पूर्व तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पार्टी कार्यालय में चोरी की घटना को लेकर कुचबिहार जिले के माथाभंगा महकमा में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। माथाभंगा ब्लॉक नंबर 239 के पचाकार ग्राम पंचायत क्षेत्र के बड़ कावियार दारा नंबर 239 कुंज बिहारी प्राइमरी स्कूल के बगल में स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बीती रात ग्रिल का तीन ताला तोड़कर चोरी कर ली गई। चोरों का दल पार्टी कार्यालय से बड़ा टीवी और कुर्सी टेबल समेत अन्य सामान तोड़फोड़ कर भाग गए। शनिवार को घटना के प्रकाश में आते ही चारों ओर हड़कंप मच गया। पार्टी सूत्रों से बताया जा रहा है कि चोर चुनाव प्रचार के लिए लाया गया झंडा बैनर सब कुछ ले गए। आज सुबह तृणमूल कार्यकर्ताओं समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। यहां तृणमूल की ओर से दिव्य मोहन बर्मन इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों का कहना है कि भाजपा समर्थित बदमाशों से मिली भगत से गंभीर साजिश है। पार्टी की क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष संजय विश्वास और पार्टी नेता आशुतोष शाह ने कहा कि वे लोग चुनाव से पहले इलाके में शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही तृणमूल नेतृत्व और माथाभंगा थाने की पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। माथाभंगा उपमंडल पुलिस अधिकारी सुरजीत मंडल और आईसी भास्कर प्रधान ने कहा कि माथाभंगा थाने की पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है। इस बीच पुलिस संबंधित इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है। भाजपा जिला नेता अभिषेक बर्मन ने कहा कि इस चोरी से भाजपा का कोई संबंध नहीं है, हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पंचायत चुनाव से पहले इस तरह के तनाव और साजिशों से आम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला पंचायत चुनाव का दिन क्या लेकर आ सकता है। डंपर और मैजिक के बीच आमने सामने टक्कर, 6 व्यक्ति घायल। नक्सलबाड़ी के आशापुर चाय बगान रोड पर डंपर और मैजिक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। जानकारी मिले कि डंपर के टायर फटने से अनियंत्रित होकर मैजिक गाड़ी से जा टकराई। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, बाद में घायलों को गाड़ी से निकाला गया। घटना में 6 घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर नक्सलबाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। गंभीर रूप से घायल 2 व्यक्ति का इलाज चल रहा है। घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। मामले की छानबीन चल रही है। सिलीगुड़ी के 24 नंबर वार्ड के युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष जयव्रत मुकुति को कल देर रात बदमाशों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के प्रकाश में आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जयव्रत मुकुति उत्तर भारत नगर के निवासी है। मालूम हो कि कल देर रात सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर
एक युवक से उनकी तीखी बहस हो गई थी। आरोपी की उसी समय के अन्य लोगों ने आकर उसे घेर लिया और उनमें से एक ने उनके पेट पर चाकू घोंप दिया। घटना की खबर मिलते ही तृणमूल छात्र परिषद और तृणमूल के अन्य नेता तुरंत मौके पर घटनास्थल पर पहुंच गए। घायल तृणमूल नेता को तत्काल सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची। सिलीगुड़ी नगर निगम के चेयरमैन व वार्ड नंबर 24 के पार्षद प्रतुल चक्रवर्ती भी मौके पर पहुंचे। इस घटना की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ममता बनर्जी 27 जून को जलपाईगुड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 जून को जलपाईगुड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी। वे क्रांति के भंडानी मैदान में तृणमूल की चुनावी सभा में शिरकत करेगी। मुख्यमंत्री की जनसभा की तैयारी जोरों पर है। इस बीच राजगंज के विधायक खगेश्वर राय ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की।